मध्य प्रदेश के सोनकत से एक पुलिस की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां दुष्कर्म का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। दरअसल सोनकच पुलिस ने ग्राम छायन मैना के रहने वाले आरोपी सूरजपुरी को महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में हिरासत में लिया था, जिसे लोकअप में रखा था, किंतु लोकअप में जहरीला सांप घुस गया था, जिसके कारण आरोपी को लोकअप से बाहर एक बेंच पर हथकड़ी बांधकर सुलाया था। सुबह करीब 4 बजे आरोपी ने पुलिस को सोता देखा, चलाकी से अपने हाथ में लगी हथकड़ी को खोलकर थाने के कमरे में लगी खिड़की से निकालकर फरार हो गया। घटना की जानकारी तब लगी जब एक अन्य पुलिसकर्मी गश्त से वापस लौट कर आया। इससे पुलिस कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में इसकी जानकारी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। इसके बाद SP चंद्रशेखर सोलंकी एडिशन SP एस डाबर थाने पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 थानों के थाना प्रभारियों के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपी की तलाश में रवाना की। इस दौरान SP ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के मामले में एक सहायक उपनिरीक्षक, एक हेड कांस्टेबल, 3 कांस्टेबल, एक नगर सैनिक को निलंबित कर दिया। टीम भागा है सर, क्या है पूरा मामला और अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई इसके लेकर? मायाबाई है छायन गांव के रहने वाले। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।